जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का जोधपुर में दो दिवसीय आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। दूसरे दिन में खेले गए मैच में फिल्मी सितारों ने अपने खेल से शहरवासियों का दिल जीत लिया। ये मैच भी आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। इस मैच में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत व उनकी पत्नी व उनकी पुत्री मैच के मुख्य अतिथि रहे। दिन के मैच में दर्शकों की थोड़ी संख्या कम रही, वहीं रात को खेले गए मैचों में अच्छे दर्शकों की संख्या देखने को मिली। दिन में खेले गए मैचों में चेन्नई राइनोज, शाम को खेले गए दूसरे मैच में मुंबई हीरोज टीम ने जीत दर्ज की। पहले मैच में चेन्नई राइनोज ने तेलुगु वॉरियर्स को हराया, जबकि दूसरे मैच में मुंबई हीरोज ने बंगाल टाइगर्स को हराया। पहले मैच में तेलुगु वॉरियर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पहली पारी में चेन्नई राइनोज ने 10 ओवर में 9 विकेट पर 84 रन बनाए। जवाब में तेलुगु वॉरियर्स ने 10 ओवर में 5 विकेट पर 93 रन बनाकर 9 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में चेन्नई राइनोज ने 10 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन बनाए और तेलुगु वॉरियर्स ने जीत के लिए 101 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में तेलुगु वॉरियर्स 7 विकेट पर 80 रन ही बना पाई और 20 रन से मैच हार गई। हार के बाद तेलुगु वॉरियर्स का अंक तालिका में तीसरा स्थान था और सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। सीसीएल का दूसरा मैच रविवार को शाम को बंगाल टाइगर और मुंबई हीरोज के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई हीरोज ने बंगाल टाइगर और 16 रनों से हराकर मैच जीत लिया। वहीं आपको बता दें कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम को निरंतर बढ़ती हुई लोकप्रियता का श्रेय निश्चित तौर पर आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत और उनकी पूरी टीम को जाता है। यह उनके अथक व भरकस प्रयासों का ही परिणाम है कि आज यहाँ सीसीएल 2023 के मुकाबले हुए हैं और इससे पहले लेजेंड लीग मैच की धूम मची हुई है। जोधपुर के क्रिकेटरों के लिए अनुभव रोमांचित करने वाला रहा। इस मैच को लेकर स्वयं वैभव गहलोत कितने ही उत्साहित हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी दोनों दिन तक मैच में रहे। जिस समय ये मैच देखे जा रहे थे, मैदान में जीत भले ही तेलुगु की टीम की हो या मुंबई हीरोज की, असली विजय मुस्कान तो वैभव गहलोत के चेहरे पर थी। वे खुश और संतुष्ट नजर आए। स्टेडियम को संवारने में लगाई गई अपनी मेहनत से और अपने उन प्रयासों को भी, जिनके बदौलत मैच अब बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आने लगे हैं। आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैच की दावेदारी की लड़ाई हमारी लंबी है, लेकिन अब निर्णायक मोड़ पर है, यह हमें पता है। क्योंकि अब जब स्टेडियम की भव्यता देश दुनिया के सिर चढ़कर बोलने लगी है, तो फिर तय है कि राजनीति कैसी भी, कोई भी विसात क्यों ना बिछ जाए, बरकतुल्ला स्टेडियम में आईपीएल भी होगा और इंटरनेशनल क्रिकेट भी।